उम्मीद है कि आज आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए होंगे। ध्यान रखना, बस फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दे रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन बनाने लगो तो दो तीन चीज़ों का, ओरिजिनल एडिटोरियल को ध्यान में मत रखो जो ई पेपर आपको मिलता है, और दूसरा कि डिक्शनरी का हेल्प मत लेना। टारगेट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब क्वेश्चंस में वेराइटी, कॉमन एरर, फिलर, धीरे 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 करके ये कम्प्रिहेंशन में भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे शुरू करते हैं। फ्लैग वर्ड को, अब अगर वर्ड को तुम देखो तो दिमाग में आएगा बैनर है, फ्लैग के साथ हॉइस्ट वर्ड लगता है, बट आप अगर फ्लैग को कंप्रिहेंशन में देखो कि फ्लैग को यूज कैसे किया है, आप ध्यान दीजिए तो फ्लैग को एज ए वर्ब यूज किया गया है। और सेंटेंस में देखिए कि सेंटेंस का मीनिंग क्या रहा है। द रूल इंट्रोड्यूस्ड एज एन अमेंडमेंट इन 2023, जो अमेंडमेंट के तौर पे यूज किया गया, जो जिस रूल को लागू किया गया, टू द रूल्स गवर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, डिजिटल मीडिया को लेके या फिर इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में वो जो नया रूल लाया गया 2023 के अमेंडमेंट के तौर पे, उसमें मीन्ट दैट वंस द फैक्ट चेकिंग यूनिट, वो यूनिट जो बनाया गया है फैक्ट्स को चेक करने वाला, अगर वो फ्लैग करता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया एज फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग, अगर वो ये फ्लैग करता है, तो यहां फ्लैग का मतलब पॉइंट आउट करने के सेंस में, पॉइंट आउट करता है कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है इत्यादि आदि, तो आपका अगर वो फ्लैग का जो मीनिंग होगा वो कोई बैनर नहीं है, अगर वो हाईलाइट करता है तो ये मीनिंग में आएगा, हाईलाइट करना। फ्लैग एज अ वर्ब हाईलाइट करना मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड कंटेंट, कंटेंट वर्ड को अगर आप सेंटेंस में देखिए, पॉलिटिकल सैटिरिस्ट, जो सटायर होता है, जो किसी पॉलिटिकल फिगर पे या सिचुएशन पे मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं, will be forced into self-censorship, वो खुद अपने ऊपर censorship डालना शुरू करेंगे अगर ये चीज लागू हो गया तो। argued comedian कुणाल कामरा, कुणाल कामरा ने कहा कि वो फिर खुद से मतलब अपने आप को संभाल के बोलेंगे सोशल मीडिया पे। द गवर्नमेंट contended, गवर्नमेंट ने ये कहा that recklessly published मटेरियल दैट वॉज कंट्रारी टू ट्रूथ, कि बिना सोचे समझे अगर हम कोई मटेरियल को पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया पे जो कि सच्चाई से कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है, तो इट कैन नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, तो उस पे उसको संविधान से फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। ये गवर्नमेंट ने यह अपना ओपिनियन दिया, कहा गवर्नमेंट का ओपिनियन था, उन्होंने ऐसा कहा। अब अगर कंटेंट का देखो तो डिनाई, कंट्राडिक्ट, गवर्नमेंट ने काटा तो नहीं है बात को, गवर्नमेंट ने ये कहा है। मेंटेन का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है कि इस चीज को बरकरार रखना, वो आप जानते हो, और मेंटेन का एक दूसरा मीनिंग टू गिव वंस ओपिनियन, अपने विचार को सामने रखना। मैंने जानबूझ के ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो आपके रीडिंग के एबिलिटी को चेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीव्ड, एंड दैट गवर्नमेंट ने यह भी कहा दैट एग्रीव्ड प्लेटफॉर्म्स वेयर फ्री टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर रेमेडी, कि वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो कोर्ट में केस कर सकते हैं इसके खिलाफ, एग्रीव्ड जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, पीड़ित टाइप्स। अब अगर आप अपने ऑप्शन को देखो
तो हर्ट जो घायल हुए हैं जिनको चोट पहुंची है तो ये मेंटली ना एनॉयड डिजिटल ये नहीं द अफेक्टेड वो जो इस कानून के लागू होने से जिन पे जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है वो अफेक्टेड प्लेटफॉर्म्स कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप कि आपने पढ़ने के बेस पे निकाला होगा कोर्सिवली। अब एक नया वर्ड, अब अगर आप कोर्सिवली वर्ड को देखो यहां पे द प्रोविजन वायलेटेड, जो ये प्रोविजन का मतलब जो नियम कानून बना है उसने उल्लंघन किया है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड साउथ सिक का चाहना का सेकेंड फॉर्म है सेकेंड और थर्ड फॉर्म टू कोर्सिवली जबरदस्ती दमनकारी तरीके से क्लासिफाई स्पीच एज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन वेग एंड अनडिफाइंड टर्म। जिन्होंने कहा जिन्होंने इस नियम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जजेज ने जो कहा उन्होंने कहा कि ये जबरदस्ती दमनकारी तरीके से क्लासिफाई कर देगा किसी स्पीच को कि ये सही है ये झूठा है। अब इसका ऑपोजिट देना था अननोइंगली इंटिमिडिएट मतलब होता है किसी को डराना धमकाना, लीगली तो अगर इलीगली का मतलब होता तो कानून इलीगली क्यों काम करेगा अनरीजनेबली। सो जस्टली उचित तौर पे क्योंकि इसका मीन तो आ रहा है अनुचित तरीके से किसी को हम सही या झूठा ठहरा दें। आर्बिटर का जरा आप ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। द गवर्नमेंट बिकम्स अ जज इन इट्स ओन कॉज, अपने ही केस में अब उसी के खिलाफ जो केस किया जाएगा उसमें गवर्नमेंट खुद जज बन जाएगी और द सोल आर्बिटर ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ इज मेजलेस, मतलब गवर्नमेंट ही खुद के बारे में डिसाइड करना शुरू करेगी कि ये इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है क्योंकि हमारे खिलाफ बोला गया है। अब या तो जज नहीं तो डिसीजन देने वाला ये मीनिंग ना डिसाइड करने वाला। अब अगर इसको तुम ऑपोजिट लो तो जज मेडिएटर तो नहीं होगा, जज उसका सिनोनिम है तो दो पार्टी लड़ेंगे और एक जज होगा अलग से, तो जज का उल्टा जो लोग हैं वहां पे जो उस केस में दो पार्टी जो इन्वॉल्व होती है और एक जज होता है तो जज का अगर अपोजिट में लूं तो वो तो उसमें एग्रीव्ड पार्टी में हो जाएगा रिड्रेस। अगर आपने इसका पार्टी दिया है तो बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। नोटिंग दैट द टर्म फॉल्स फेक और मिसलीडिंग वेयर नॉट डिफाइंड, उनको डिफाइन नहीं किया गया था कि किसको फॉल्स माना जाएगा किसको फेक माना जाएगा एंड देयर वाज नो स्कोप फॉर रिड्रेस प्रोवाइडेड इन द रूल, और इसके खिलाफ हमको कोई राहत मिले हमको कोई छूट मिले या हम कुछ अपने आप को बचा सके रूल में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। रिड्रेस का मतलब राहत। अब रेमेडी रिलीफ तो उसका सिनोनिम हो गया, वायलेंस अब अटपटा वर्ड है। सो एफ्लिक्शन का मतलब पीड़ा होता है दुख होता है वो जो हम किसी पे थोपते हैं किसी को देते हैं। छह वर्ड्स थे, आप जज करो कि आपके कितने सही रहे हैं। मैंने एक कॉमन एरर दिया था, अभी देखो कॉमन एरर को। एडिटर्स एंड पब्लिशर्स राइटली सॉ द क्रिएशन ऑफ अ फैक्ट चेकिंग यूनिट इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज अ मैकेनिज्म, वो
ये लोग अगर उसको एक मैकेनिज्म के रूप में देख रहे थे बाय विच द सेंटर कुड सेंसर एनीथिंग दैट इट डिस्प्यूट्स, कि सेंटर किसी भी चीज पे जिससे वो अग्री नहीं करता है उस पे, जिसके माध्यम से, सो एट विच नहीं, या तो बाय विच या थ्रू विच, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आप डाल सकते हो। प्रीपोजिशन गलत था वहां पे। विच का मतलब मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के द्वारा, ये डब्ल्यू एच के पहले अगर प्रीपोजिशन लगता है ना तो इस वर्ड को देख लेना कि ये किसके लगा है, एंड अकॉर्डिंगली उसके पहले अगर प्रीपोजिशन आया हुआ है तो उसका चेक करना पड़ता है कि वो कैसे लगा हुआ है। सो आंसर विल बी सी। अब मेरे को एक चीज था कि ऐसा हो सकता है कि जब आप बना रहे हो तो एक टेम्पटेशन हो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में देख लें हम, एक तो काम मत कीजिएगा क्योंकि ये वाला डायरेक्ट मिल जाएगा, और फिलर में मैंने कुछ चेंजेज किए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, फेलियर टू डू सो, अगर हम ऐसा न करें, वुड डैश इट्स लूजिंग इट्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, तो फिर वो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, उसको सेफ हार्बर जो उसको प्रोटेक्शन मिलता है डिजिटल मीडिया को, ये खास तरह का प्रोटेक्शन होगा, वो उसको नहीं मिलेगा। उड के साथ भीवन लगेगा। अब आप अगर ध्यान दो तो ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉज लिखा हुआ था, ओरिजिनल एडिटोरियल में, और मैंने डाल दिया कॉजेज, और उड के बाद आएगा भीवन, और ये हो गया V5, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। इन सब का मीनिंग अगर मैं यहां पे अबाउट लगाता तो उसका मीनिंग कॉज हो जाएगा, रिजल्ट इन या इनटू का मीनिंग कॉज होता है, लीड के साथ इनटू लगेगा, सॉरी लीड टू लगेगा तो इसका मीनिंग कॉज होगा, हालांकि प्रिंटिंग मिस्टेक था, INTO होगा, लीड टू। ट्रिगर का मतलब भी कॉज हो जाएगा, ट्रिगर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, बाकी लीड टू, ब्रिंग अबाउट, रिजल्ट इन या इनटू एंड कॉज, ये सब का मीनिंग सिनोनिम है, सेम होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल टाइटल, पैसेज में क्या था, गवर्नमेंट ने एक का फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाया जिसमें यह कहा गया था कि अगर उस यूनिट को कोई डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई चीज फॉल्स, फेक या मिसलीडिंग लगा तो उसको रोक सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेज ने उसको इस कानून को निरस्त कर दिया। अब आप, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इस पैसेज में नहीं था, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने बोला ये था। अब आप ध्यान दो, उसका जो ओरिजिनल था वो हेडिंग था अनवारंटेड कर्व, कर्व मतलब प्रतिबंध, और अनवारंटेड का मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं है। मैंने उसके जगह पे, क्योंकि डिजिटल मीडिया एंड फ्री स्पीच ये टॉपिक नहीं था कि डिजिटल मीडिया को फ्री स्पीच मिलना चाहिए कि नहीं, टॉपिक ये था कि गवर्नमेंट ने जो बनाया था उसको कोर्ट ने रोका, मिस इंफॉर्मेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, ये टॉपिक में मैंने पहले बोल दिया कि मिस इंफॉर्मेशन को रोकने की बात हो रही है। सो ये टॉपिक में आप समझो कि फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग रियली वो ऐसा ही है। अब आपका ट्रू फॉल्स या डाटा इनएडिक्वेट, आर्टिकल 19(2) गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द सिटीजंस। आप जरा ध्यान दीजिए, आपको इसके लिए वो जरूरत नहीं है कि आपको ये पता ही हो गया आर्टिकल करता क्या है। आप ध्यान दो, आर्टिकल 19(2) के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, समथिंग इज ट्रू और फॉल्स वॉज नॉट
वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस लिस्टेड इन आर्टिकल 19.2 में वो परिस्थितियां दी गई थी जिसपे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हो, मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह नहीं बोल रहा हूं, इसमें उसका ये जो सब क्लॉज है आर्टिकल का वो रिस्ट्रिक्शन की चर्चा करता है, नॉट की फ्रीडम ऑफ स्पीच की। इसलिए आपका ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है द ओरिजिनल बेंच हियरिंग द फैक्ट चेकिंग यूनिट कंप्राइजेस तीन जजेज उसमें थे, चांदुरकर, पटेल एंड गोखले। ध्यान रखिएगा कि पैसेज के अनुसार ओरिजिनल बेंच में दो ही जज थे। आप ओरिजिनल बेंच को देखिए, आफ्टर अ टू जज बेंच, ये दो बेंच था, मतलब उसमें कितने जज थे, वो दो लोग थे। वॉज स्प्लिट ओवर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जब ये दोनों जजेज का डिसीजन एक फेवर में और एक अगेंस्ट में गया, तो फिर जस्टिस ए एस चंदुरकर ने उसमें टाई ब्रेकिंग के हिसाब से अपना रूलिंग दिया, अपना डिसीजन दिया। और चूंकि उन्होंने गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ दिया था, इसलिए उस कानून को निरस्त कर दिया गया। ऑलरेडी 2-1 डिसीजन, और इन्होंने जो किया था वो टाई ब्रेकिंग में था। सो ओरिजिनल बेंच दो जजेज का था, तीसरे जज उसमें टाई ब्रेक में थे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट डेलिबरेटली लेफ्ट द टर्म फेक फॉल्स और मिसलीडिंग अनडिफाइंड इन द ओरिजिनल लॉ। गवर्नमेंट ने जानबूझ के इन तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया है कि किसको फेक मानेगा, किसको फॉल्स मानेगा और किसको मिसलीडिंग मानेगा। बट पैसेज में गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया है यह नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसको हम लोग डाटा इनएडिक्वेट पे डालेंगे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल लेफ्ट नो रिमेडियल एक्शन एक्सेप्ट लीगल। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था उसमें कोई रेड्रेस नहीं था, यहां पर याद कीजिएगा, कोई रेड्रेस नहीं था, बस यह दिया हुआ था कि वो कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो मतलब वो सिर्फ कानून का सहारा ले सकते थे, उस कानून में और कुछ नहीं दिया हुआ था। सो दिस वन इज 100% ट्रू। एंड सेफ हार्बर क्लॉज प्रोटेक्ट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म अगेंस्ट बींग सूड फॉर द कंटेंट्स पब्लिश्ड। संदेश का मीनिंग ये है कि ये जो क्लॉज है सेफ हार्बर, वो प्रोटेक्ट करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए ऐसे कंटेंट के लिए जो उस पर चलाए जा रहे हैं। और ये तो लिखा ही हुआ था कि वो फिर सेफ हार्बर क्लॉज में वो फिर लूज कर जाएंगे, ये प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पाएगा फिर वो, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा लास्ट वाला भी ट्रू होगा। नाउ मैं आपसे इतना ही बोलता हूं कि अगर आप, चूंकि लास्ट वाले में भी कमेंट्स थोड़े कम आते हैं कि ये नहीं पता चलता, आप में से जो लोग भी बोल रहे हो पॉजिटिव बोल रहे हो, बट जितने भी लोग देखते हैं उसमें से बहुत कम लोग कमेंट करने को सोचते हैं। ये एक इनकरेजिंग फैक्टर होता है फॉर द कंटेंट क्रिएटर, जो क्रिएट कर रहा है ना उसके लिए इनकरेजिंग फैक्टर होता है। एटलीस्ट अगर या तो मैं आपको आपसे जबरदस्ती प्रैक्टिस करा रहा हूं, आई डोंट नो, या फिर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक आपके तरफ से थोड़ा रिक्वायरमेंट मेरे को लगता है कि आप अगर एक छोटा सा कमेंट भी कर दो कि इट्स ओके, या फिर कुछ और चेंजेस चाहिए होगा, तो दैट विल बी इनकरेजिंग फॉर मी व्हाट आई फील। सो
बी अ बिट सेंसिटिव। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार में अगले वाले एडिटोरियल के साथ।